पांच साल की दावेदारी है, अगला पांच साल भी खान साहब कह रहे हैं कि वो हुकूमत करेंगे और हुकूमत उनकी आएगी। तो मैंने कहा भरपूर अवामी सर्वे कर लें और लोगों से पूछ लें कि क्या वो समझते हैं कि अगले पांच साल भी खान साहब की हुकूमत आएगी। अगर समझते हैं तो क्यों समझते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि अगले पांच साल भी खान साहब जो हैं वो वजीर आजम रहेंगे या जीतेंगे अगले 2023 में भी? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे लगने या आपके लगने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो लाने वालों पे है, वो खान साहब को लाते हैं, वो नवाज शरीफ को लाते हैं या वो पीपल पार्टी को लाते हैं। आपने तो डायरेक्ट इतनी बड़ी बात कर दी, लेकिन आपको क्या लगता है अगर हम उस बात को थोड़ी देर को भूल के ये सोचें कि खान साहब वजीर आज़म बन सकते हैं नेचुरल ग्राउंड्स पे? देखें, नेचुरल ग्राउंड ये आप ये बात भुला ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये खान साहब और लाने वालों के दरमियान है कि उनके हालात किस तरह के हैं, ठीक है। डिसअपॉइंट हुए हैं खान साहब से? अभी मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया, मैं पीटीआई से डिसअपॉइंट, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ खान साहब से। फिर आप लेके आएंगे दोबारा? मैं तो डेफिनेटली सी बात लेके आऊंगा खान साहब को। लेके आएंगे? मैं लेके आऊंगा। अच्छा, क्यों? आपको क्यों पसंद है खान साहब? मुझे खान साहब जाती तौर पर पसंद है, ठीक है। वो दूसरी जो वो कह लें जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं, वो इतने इतने अरसे से इतने सालों से उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट वो कोशिश कर रहे हैं। लगता है जी पाँच साल रहे तो मगर शाही को नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ जी। क्यों? इस बात आते हैं चोर चोर सारे जो है ना, चोर तो चोर जे इन्हों पता लगता है जो कुकड़ी चोर खोती चोर सारे जेलों भर पी जे बड़े चोर ने वो सारे बाहर लगे फिरते हैं। कुकड़ी चोर खोती चोर जेल? हाँ जी। तो बाकी तो चोर चोर उन्होंने फट के तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ लैन तो सही ना वसूल करना। हाँ, भी है आवाम तो चाहती है ना। हाँ ठीक है, इंतकाम लेना तो सही तरह लवो, नज़र तो आवे। हाँ जी बिल्कुल। अगले पाँच साल नहीं देखो जी, अगर रवे सानू तो नहीं मालूम हूँ जी, अगर रवे तो फिर कुछ हालात ठीक हो। चलो, खान साहब को मशवरा देना चाहते हो? नहीं जी, खान साहब तो खुद जरा आप समझदार बंदे ने मशवरा देने की लड़ी लोड़ी। बात ठीक है, चलो मेहरबानी। मैं तो कहता हूँ कि पाँच साल में जितना उन्होंने काम किया है ना, मतलब अब नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन होने वाला है ना, तो उसको टाइम देना चाहिए थोड़ा सा। आप चाहते हैं कि हो? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। नहीं, आप चाहते हैं कि अगले पाँच साल भी वही हो? पाँच साल का तो पता नहीं चल रहा है, वो तो इलेक्शन टर्न आउट पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, हाँ जी। लेकिन आपकी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है कि वो अगले पाँच साल इस टीम के साथ नहीं, इस टीम के साथ। अच्छा, टीम से क्या एतराज़ है आपको? टीम से बड़ा एतराज़ है, क्योंकि कप्तान तो अच्छा है लेकिन इसका टीम जो है वो उसका उस पर मुझे बड़ा। लेकिन कप्तान अच्छा, टीम बुरी? कप्तान अच्छा बचा नहीं, अन्य दिन ही हुकूमत आएगी। क्यों? महंगाई की नहीं करती है, हर जगह से महंगाई महंगाई की। आप बताएं जनाब, इन्हें एक भी वादा ईदा वफा इन्हें बिल पाड़े सन, वो बिल डबल आ रहे ने। ठीक है, हर शायद बुरा हाल हो गया, एक भी वादा वफा नहीं ने किया। कोई वादा वफा नहीं, कोई एक भी वादा वफा था। आप क्या कहते हैं अगले पाँच साल इमरान खान साहब रहेंगे, हुकूमत करेंगे? अगर पाँच साल रहेंगे हमारे वजीर आज़म है, हम उनके बारे में ऐसी बात नहीं करेंगे। हम सादी बात करते हैं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आवाम बाहर आ जाएगी, इंकलाब आ जाएगा। अगर इन्होंने धांधली की, इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली की, तो जो आवाम है ना, यहाँ इंकलाब बढ़ पाएगा। ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। क्या कहते हैं भाई जनाब, अगले पाँच साल इमरान खान? मैं तो पाँच साल से क्या, मैं तो दो साल भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो महंगाई है, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे पता है किस तरह बच्चों को पेड़ पालना और किस तरह जो है ना उनकी शॉपिंग वगैरह या उनके तलीम के अखराजात करने। आपको पता है कि हर रोज जो है ना महंगाई, हर रोज महंगाई बढ़ रही है। वो कहते हैं मेरा मकसद था एहतसाब, मुझे लोगों ने एहतसाब करने के लिए पसंद किया था। तो एहतसाब के लिए किया था ना, तो वह महंगाई तो ना करे। अब महंगाई कितनी होगी आपके पास सामने, पेट्रोल कैसे कितना महंगा हो गया। अगले पाँच साल देंगे आप? नहीं, उस पाँच साल नहीं दूंगा, पाँच साल बिल्कुल नहीं देंगे। आई भाई, पाँच साल खास नहीं जी, मुमकिन ही नहीं है। भाइयों कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा। वो तो कहेंगे 20 साल भी आ जाऊं, शर्म भी कहना जी 12 साल रहूंगा। रहे कोई बड़े सख्त लोग हैं। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इमरान साहब बड़े अच्छे आदमी ने, ठीक है। मैं कहना भाई अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता भेजा, बिल्कुल ठीक है। एक मेहरबानी उन्होंने सानू आम नु जहर दे के मार दियो, बस। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀਏ? ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਟਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੌਣ? ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਆਪਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ।
इमरान खान साहब कहते हैं कि अगले 5 साल भी मेरी हुकूमत होगी, तो आप क्या कहते हैं उस नहीं होगी? क्यों? क्योंकि लोग ही नहीं खुश, लोग परेशान हैं, लोग बदवाएं दे रहे हैं। ओह, बदवाएं दे रहे हैं? हाँ जी, जो इन्होंने हाल कर दिया ना, महंगाई रोज दिन ब दिन बढ़ रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम क्विटा बलूचिस्तान से। क्विटा बलूचिस्तान से आए हैं, तो जिंदगी बेहतर नहीं हुई इन 3.5 सालों? लेकिन बेहतर तो नहीं हुआ, महंगाई हो गया वापस, वो जिंदगी जो वो जरदारी उसी पहले वक्त हो गया जो 10-15 साल पहले था, अभी वापस उधर ही आ गया। ओहो, आप क्या कहते हैं खान साहब, अगले 5 साल कबूल हैं आपको? नहीं नहीं, मैं मुझे कबूल नहीं, कबूल नहीं है। कौन चाहते हैं आप, कौन आए? जो भी हो, लेकिन आवाम को कुछ रिलीफ मिले। बलोचिस्तान में मरियम नवाज, पक्की बात है? सर, जो भी हो गया, लेकिन इमरान खान नहीं चाहिए। इमरान खान नहीं चाहिए? खान साहब कहते हैं अगले 5 साल भी मैं ही हूँ। नहीं सर, बहुत ही मुश्किल है अगले 5 साल। क्यों? जो उसने बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का। यार वो कह रहे हैं 5 साल मैंने ही आना है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अभी इंशाल्लाह अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा इंशाल्लाह। आप कहाँ से आए हैं? मियाँ वाली से। मियाँ वाली से आए हैं? हाँ जी। खान साहब के घर से आए और कह रहे हैं? मैंने तो पहले भी उसको वोट नहीं दिया, मैंने तो पहले भी वोट दिया है, बस वैसे नहीं पसंद ये। ये जो यू टर्न ले लेता है। मियाँ वाली में आपके काम नहीं करवाए उन्होंने? नहीं, मियाँ वाली इतनी बेरोजगारी है, सब भूख के मर रहे हैं लोग। चले, अल्लाह ताला खैर करेगा। अगले 5 साल आपको नहीं नजर आ रहे? चल, अगले 5 साल होंगे कि नहीं होंगे, वो एक भरपूर अवामी सर्वे आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत चीज है जो आपने नोट करनी है। खान साहब एक दौर में कहा करते थे कि सड़कों से मुल्क तरक्की नहीं करते, आज वो खुद सड़कें बना रहे हैं। कभी किसी दौर में मियां नवाज शरीफ साहब भी यही कार्ड बांट रहे थे, सेहत कार्ड या उसके नाम से पाकिस्तान कार्ड के नाम से, तो इमरान खान साहब क्या करते थे कि इससे कोई फायदा नहीं है। आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है, यानी कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब आखिर में जब वो कहा जाता था कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आज गई, कल गई, ख़त्म हो गई, मियां नवाज शरीफ साहब अब नहीं हुकूमत कर पाएंगे, तो मियां नवाज शरीफ साहब जो तकरीरें करते थे उनमें वो बड़े मजबूत नज़र आते थे, वो जलसे कर रहे थे, वो दूर दूर जाते थे, वो इन खैबर पख्तूनख्वा में जा रहे थे, वो जाके मोटरवेज का इफ्तिताह कर रहे थे, नज़र आ रहे थे काम करते हुए। इमरान खान साहब भी सेम उसी तारीख पर जाना शुरू हो गए हैं। वल्ला मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब जो उनसे अपना वक्त तो कम अज़ कम पूरा करें, क्योंकि ये जमहूरी रवायत है, इलेक्टेड वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए कानूनन, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, और यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएगी। अगर हम इसी तरह हुकूमतों की टांग खींचते रहे, इसी तरह किसी को काम करने ना दिया, तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में जमहूरी रवायतें कायम रखना। आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2023 के बाद, यानी कि अगले 5 साल, ये तो वो मुद्दत पूरी करेंगे, अगले 5 साल भी वही होंगे, आप क्या कहते हैं? उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद नहीं है, आपका दिल क्या कहता है, चाहते क्या हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ हो। ठीक है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक वो चीज़ यहाँ नहीं आ रही। तो खान साहब को मशवरा क्या देंगे आपके, क्या करें? खान साहब इस्लामी आइन नाफ़िज़ करें। ठीक है। अगले 5 साल नजर आ रहे हैं आपको उनके? मुश्किल, अगर ना किया तो बड़ी मुश्किल है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है कि आप हक की बात को आगे पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला बस हिम्मत दे ही रखे। बड़ी ताड़े प्रोग्राम में देखता रहना। अच्छा। बड़ी खुशी होती है कि तुसी हक दी गल अगे कर दे। आप ये देखें कि दिल के जो जितने टुकड़े हो चुके हैं ना, क्योंकि हम इमरान खान के सपोर्टर रह चुके हैं। अच्छा। 2018 में जो है ना, मायूस कहाँ पर जाके हुए आप? यही कोई कोरोना के दरमियान ही कुछ हुआ है, अटैक वगैरह हमें। अच्छा। तो ये महंगाई वगैरह और ये जो सूरत हाल है, वो तो सारी दुनिया में महंगाई है, क्या आपको, आप उस बात से एग्री नहीं करते? जी वो देखें, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब होते इस दौर में तो तब इमरान खान की बातें कुछ और होती, वो चूंकि फिर अब वो बात जो है वो घुमा के ऊपर से चलेगी। आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल हुकूमत करेंगे? हाँ मुझे तो लगता है उनका सिक्का चलेगा 5 साल और। वो क्यों? वो इस तरह से कि पहले उनको कहते हैं टाइम कम मिला है, टाइम कम मिला है। अच्छा। पिछले जो पार्टी गई है वो 30 साल रन करके गई है, और हमें भी इतना टाइम मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि केपीके में भी उनका है, तो पंजाब में भी कुछ हो जाएगा, 5 साल और चलेंगे। दिल क्या चाहता है? मेरा दिल, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिक बात तो यही है ना, ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया कि जो उनसे कहा जाए कि हाँ जी वो ये 5 साल अगले भी ले लें। वो कह रहे हैं कि मैं एहतसाब के नारे पे आया था, तो एहतसाब तो मैं कर रहा हूं। एहतसाब तो हुआ ही नहीं है ना, हो सकता है,
एक रुपया भी साबित नहीं किया नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, हमदा शहबाज से, तो वो किस किस बेस पे लाएंगे पॉइंट्स? इस कॉन्ट्रीब्यूशन से हम एग्री नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जितनी महंगाई भी पहुँच गई है, और अभी जो ज्वेलर्स हजरात के ऊपर 17% टैक्स है, उससे हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है ज्वेलर्स वालों का, ठीक है। वैसे दिल क्या कहता है आपका? दिल हमारा ये कहता है कि अगर वो हमें टैक्स में लीव दें और जो आवाम के लिए जो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है वो कम हो, तो फिर हम जरूर उनको सपोर्ट करेंगे। चलो बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी मैं ही हुकूमत करूँगा, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, हम इसी से तंग हैं जो गुजर गए। अच्छा, हाँ, महंगाई कितनी ज़्यादा, 17,500 सैलरी है, बच्चे भी पालने हैं, कितने दूर से हैं डेरा गाजी खान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। डेरा गाजी खान में उस्मान बाजार के इलाके से? हाँ जी, वही वही इलाका है, मेरा मेरा मेरी तहसील का है। आपकी तहसील की है? आपके इलाके में तो बड़े अच्छे काम किए हैं इन्होंने। क्या काम है, कुछ भी नहीं है, महंगाई वहाँ पे आए तो क्या काम किया है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे, हर चीज़ ऊपर जा रही है दिन ब दिन, घी है वो भी कहाँ पे चला गया, हर चीज़ कहाँ पे चलेगी, आटे की कीमत देखो, सब चीज़ की देखो। उस्मान बुज़दार, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। कबूल भी है, नहीं भी है सर। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अगर हम बात करें ना, जैसे कि हम मकरूज हैं मुख्तलिफ ममालिक की, उस लेवल से तो ठीक है, लेकिन हम जो महंगाई मिल रही है ना, उससे थोड़ा सा वाम डिस्टर्ब है। तो अगर हम कर्जे में है, मकरूज हैं, तो महंगाई तो होगी ना, होगी, वो राइट अपनी जगह पे, लेकिन सर जो गरीब आवाम है वो किस तरह अफोर्ड कर सकती है हर चीज़? आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें, अगर कोई मसला है ना, उसका हल ज़रूर होता है, तो मुझे लगता है कि उसके हल तलाश नहीं किए जा रहे, यानी कि जो करने वाली चीज़ें वो नहीं की जा रही, जो कि वो ये कह रहे हैं कि हम यानी कि अंदरूनी तौर पर ठीक कर रहे हैं चीज़ें, और मुझे लग नहीं रहा है कि अंदरूनी तौर चीज़ें ठीक हो रही है। अच्छा, इसका मतलब आपको लगता है अगले 5 साल खान साहब रुकेंगे? नहीं, अगर रुके या ना रुके, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। सपोर्ट किसको करते थे पहले? सपोर्ट हम शुरू इन्हीं को करते थे, इन्हीं को वोट डाले हैं सारे घर वालों ने। अब वाले साहब इनके इतने वो कह लें कि जानशीन थे, फैन थे इनके, अब वही सब घर में से कह रहे हैं कि यार ये काम खराब कर दिया था। फैन था ना वो नहीं इनके हक में है, वो कह रहे हैं मैं सड़कों में निकलूंगा, फिर सड़कों पे इनके साथ निकलोगे आप? नहीं, अब नहीं निकलेंगे। मैं अगर सड़कों पे निकलाया ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं हो। मेरा ख्याल है ये टर्म ही पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। आपको लगता है कि अगले 5 साल खान साहब जीत सकते हैं? नहीं मेरे भाई, कम अज़ कम जो हालात मुल्क की नज़र आ रहे हैं, उस हिसाब से तो कोई भी इम्कान ही नहीं है कि खान साहब दोबारा मौका मिल जाएगा। खान साहब अगर उन्होंने कहा कि मैं सड़कों पर निकला तो ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा, आप सड़कों पर निकला है तो उनके साथ सड़कों पर निकलेंगे? नहीं मेरे भाई, मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल जो भी कोई बाशऊर बंदा है वो तो मुमकिन नहीं है उसके लिए कि दोबारा खान साहब को वोट दें। आप कौन से शहर से हैं? मानसहरा से हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप खुश नहीं हैं उनकी हुकूमत से? वो तो 2 दफ़ा वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा आप हुकूमत कर रहे हैं। कोई खुशी हमने देखी तो नहीं है, ना उन्होंने कोई दिखाई है। अच्छा, ख्वाब हमें सुनाए हैं इमरान खान साहब। अच्छा, ख्वाब दिखाए, सब्ज बाग भी हमें दिखाए। हमने 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर पाकिस्तान में पैदा कर, जो हमारे इर्द गिर्द भी सब्ज बाग नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ख्वाब की अभी तक हमें कोई अच्छी ताबीर नहीं मिली। बिल्कुल, उल्टी ताबीरात तो मिलती रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, हमने उन पर यकीन भी किया, फिर काफ़ी खुश भी रहे, लेकिन उनकी जो हमारी KPK में जो गवर्नमेंट थी पहले 5 साल, उससे भी हम बड़े नालां थे, बहुत तंग थे। अच्छा, लेकिन जिस चीज़ को वो लेकर आए थे ना कि मैं गरीब को ऊपर लेके जाऊंगा, अमीर को नीचे लाऊंगा, ऊपर तो ले गए और बिल्कुल बराबर कर दूंगा। अच्छा। अमीर तो ऊपर से ऊपर चला गया, गरीब लेकिन गरीब की उन्होंने चमड़ी उधेड़ के रख दी। कहाँ से आए आप? हम लोग स्कर्दू से आए। स्कर्दू से आए? जी जी। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने कहा है कि ये 5 साल मैंने गुजार लिए हैं, मैं अगले 5 साल भी हमारी ही हुकूमत, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब ने बहुत महंगाई की है, अब जो हमने इस दफ़ा वोट दे के पछता रहा हूँ, अगले दफ़ा आने का उसका ख्वाब है, ये ख्वाब ही रहेगा। आपको नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं। भाजी आप क्या कहेंगी? जी मैं भी इनके साथ इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा, नहीं कोई आपकी जिंदगी चेंज नहीं हुई 3.5 साल के अंदर? चेंज हो गए, नीचे आ गए। नीचे आ गए हैं जी, तकलीफ बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। क्या इसका सिर्फ एक ही वजह है कि महंगाई बढ़ी है, और कोई वजह नहीं? महंगाई बढ़ गए हैं, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, बजाय कि बेहतर होने के। इमरान खान साहब ने आवाम को तंग करने के लिए आया, आवाम को अभी तक तो कोई फैसिलिटीज नहीं दिया इन्होंने। आपने वोट किसको डाला था पिछली बार? हमने पिछली बार खान साहब को ही दिए थे, अभी पछता रहे। अगले दफ़ा इंशाल्लाह हम उसको नहीं देंगे, जो अगले दफ़ा आने की जो उसकी कोशिश है वो ख्वाब ही रहेंगे, कभी नहीं आएंगे इंशाल्लाह।
भाई गिलगित से कुछ दोस्त हमारे आए हुए हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। भाईजान खान साहब ने एक तकरीर की, उन्होंने कहा कि ये 5 साल नहीं अगले 5 साल भी मैं हुकूमत करूंगा और मेरी पीटीए की हुकूमत आएगी, आप अग्री करते हैं? नहीं, खान साहब की बातों पर लोगों ने इत्तेफाक करना छोड़ दिया है। पहले वो करते थे क्योंकि उनकी स्टेटमेंट चेंज होती रहती है फ्रिक्वेंटली, वो अपने स्टेटमेंट से यू टर्न लेता है। अच्छा, वो तो दैट इज अ मेन रीजन, वो आपको मेन वजह वही है कि आप यू टर्न और कोई। गिलगित में वो जीत गए थे इलेक्शन इस बार? जी जी। कैसे जीत गए थे, आप पसंद करते हैं इसका मतलब गिलगित में लोग? नहीं, वो सब पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जीते थे, तो वही सेम उसके जो हालात गिलगित में भी उसके असरात थे। अच्छा, वही असरात खौफ थी ना कि इस दफा शायद कोई तब्दीली की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वही बात थी और कोई नहीं। तब्दीली नहीं मिली आपको? तब्दीली नहीं मिली। 3.5 साल में आपकी जिंदगी कितनी बदली है? वही दिन ब दिन वर्स की तरफ जा रही है। लोग जिनसे हैं वो मायूस नज़र आ रहे हैं, ये रेंडम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। अभी जाके देखें फैसलाबाद के अंदर हमारे कुछ दोस्त हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं। ये प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया था कुछ देर पहले जब बजट मिनी बजट आने वाला था उससे कुछ देर पहले, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हम इसको चला नहीं सके। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि कारोबारी जो लोग हैं वो भी तंग हैं, उनको भी परेशानी है। परेशानियाँ क्या हैं, क्योंकि परेशानियाँ ही बताने के लिए ये पुकार है, परेशानियों की पुकार है, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं ये उनकी पुकार है। तो पुकार जाके सुने वो लोग क्या कह रहे हैं, फैसलाबाद के लोग क्या कहते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस कम्युनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या कहती है, सुने जाके।